नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम खबरें कौन कौन सी हैं उनसे रूबरू आपको कराएंगे, साथ ही बात करेंगे चौथे चरण के मतदान को लेकर भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीट पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक औसतन 11.67% मतदान दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतदाताओं से अपील, अपना कर्तव्य निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए। पूरे सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लगी मतदाताओं की कतार, कई वीआईपी चेहरों ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल। गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, अखिलेश यादव, अधीर रंजन चौधरी, दिलीप घोष, ओवैसी और गीता कोरा समेत तमाम दलों के दिग्गज नेताओं का चुनावी भविष्य दांव पर। मैदान में डटे कुल 1,717 उम्मीदवार। आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175 पर सीटों पर 9 बजे तक 9.21% और ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों पर 9.25% वोटिंग। यूपी के दादरौल और तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट में भी उपचुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में आज करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। दोपहर बाद संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा भव्य रोड शो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। यूक्रेन के साथ संघर्ष के बीच रूस के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को पद से हटाया। एंड्री बिलासाव बनाए गए नए रक्षा मंत्री। और आईपीएल में आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद कायम। आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स से टकराएंगे गुजरात टाइटंस। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव यानी जनादेश 2024 की। केंद्र में अगली सरकार किसकी होगी ये तय करने के लिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। आज चुनाव का चौथा चरण है। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीट पर वोटिंग चल रही है। सुबह 9 बजे तक करीब 11.67% जो औसत मतदान है वो दर्ज किया गया है। लेकिन भीषण गर्मी के बावजूद इस चरण में वोटिंग के लिए लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। खासतौर से लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। मतदान के इस महापर्व में जम्मू कश्मीर के बडगाम क्षेत्र और ओडिशा नवरंगपुर क्षेत्र में मतदान के लिए विशेष प्रबंध किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मतदाता हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में प्रसिद्ध अभिनेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रसिद्ध अभिनेता जूनियर एनटीआर अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में मतदान किया। वहीं अभिनेता चिरंजीवी ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभिनेता हैं वो पहुँचे हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन और चिरंजीवी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए साउथ सुपरस्टार और जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण ने मंगलागिरी के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस बार हैदराबाद लोकसभा सीट पर चुनाव काफी सुर्खियां बटोर रहा है। यहां एआईएमआईएम से मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को इस बार बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता जबरदस्त टक्कर दे रही हैं। जिस तरह ओवैसी अपने भाषण में धार रखते हैं उसी तरह माधवी लता भी काफी तेज तर्रार हैं। नतीजे तो 4 जून को पता चलेंगे, लेकिन उससे पहले हैदराबाद की गर्मी और उस पर चुनावी पारा दोनों काफ़ी बढ़े हुए हैं। दोनों नेताओं ने आज हैदराबाद में अपने अपने वोट डाले और जीत का दावा भी किया। इस सीट पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, माधवी लता की बात की जाए या वैसे की हम बात करें, तो इन्होंने भी अपना वोट डाला।
सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है। साथ सभी ऐसे ही लोग हैं जुटे हुए हैं जो बार 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 इस देशवासियों का मान सम्मान पे ठेस लगाए और इन लोगों ने अपमान किया है। अब वक्त आया सारा भारत देश को यह जानने के लिए कि हमारा सम्मान करने वाले एकमात्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। तो हैदराबाद सीट से जो दोनों प्रत्याशी हैं उनकी बात आपने सुनी। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। हैदराबाद में कुछ मतदाताओं से बात की हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने। पूरे परिवार का एक ही था, माने थोड़े ही चीज़ थे, एक है देश का सुरक्षा डेवलपमेंट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कंट्री में चाहिए और बहुत होना है उसके लिए। इश्यूज थे तो इक्वल राइट्स का, तो वो उसके बारे में अगर कुछ विकास हो सकता है तो इसके वास्ते हमने वोट लगाए थे, डाले थे। और हमको फ्रीबीज कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए तो हमारा हक चाहिए, बस हमारा हक दे दो, बस हो गया। देश की प्रगति, देश की सुरक्षा और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य, ये तीन जो है मेन मुद्दे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार बन के आए वो पूरे देश के लोगों का स्वास्थ्य और समृद्धि का खास ध्यान रखे और जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि कई तरह के प्रेशर और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उनका उनके लिए वो कुछ स्कीम ऐसे निकाले, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे जो जो महंगाई वगैरह जो बढ़ रही है उससे रिलेटेड हो। चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा पे जो भी सरकार बने महिलाओं की सुरक्षा पे वो काम करे, क्योंकि हमारी माँ बेटियाँ बाहर जाती हैं, आजकल तो सब लोग वर्किंग है, रात रात आते हैं, तो वो एक इशू है। दूसरा भ्रष्टाचार, और हमारे देश को एक हालांकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, एक उन्होंने बहुत ऊँचाई तक पहुँचाई है, जो भी आगे सरकार आए वो हमारे देश को बहुत ऊँचाई तक लेके जाए। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां लोकसभा के चौथे चरण में 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है। भारी संख्या में लोकसभा से ही मतदान के लिए अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता योगेश शीतल ने महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों का जायजा लिया। 23,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पे इस वक्त मतदान चल रहा है। कुल 11 कंस्टिट्यूएंसी हैं जिसमें इस चरण में यानी कि चौथे चरण में मतदान होना है। 298 प्रत्याशियों के कह सकते हैं कि चुनावी भाग्य का, जो राजनीतिक भाग्य का फैसला आज जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। इस वक्त हम एक पोलिंग बूथ पे हैं, वहाँ पे एक वृद्ध हैं, वो मतदान करने आए हैं। क्या उम्र है आपकी? 80 साल। 80। नाम क्या है आपका? मीननाथ रंगनाथ सप्रे। और घर के जो बाकी सदस्य हैं वो भी मतदान कर लिए, वो आपके बाद आएंगे? मेरा मिसेस पहले करके गई। ये फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ है, नाम बताइए, क्या नाम है आपका? श्रिया देवधर। श्रिया काफी खुश लग रही हैं, क्या वजह है? हाँ, पहली बार वोटिंग किया है अभी सुबह सुबह आके। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था सब। दिखाइए अपना फिंगर, दिखाइए एक बार। बताइए श्रिया, जो लोग अभी मत करने नहीं आए हैं या थोड़ी देर में आना चाहते या कई बार लोग नहीं भी करते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द राइट ऑफ अ सिटीजन टू वोट, तो हमें हमारा हक जो है वो ये करना चाहिए क्योंकि सिंगल वोट कैन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। सो बस ये बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रिया। तो श्रिया है जो कि बता रही हैं कि वो फर्स्ट टाइम वोटर थी। इसके अलावा हमने देखा सीनियर सिटीजन में कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कुछ दिव्यांग भी हमें सुबह दिखे हैं। ट्रेंड अगर हम अर्ली ट्रेंड की बात करें, सुबह के अगर पूरे आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड की बात करें तो बहुत अच्छा ट्रेंड फिलहाल पुणे में दिख रहा है। महाराष्ट्र में हालांकि कुल मिलाकर देखें तो जो चौथा चरण है जिसमें कि 11 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें कि मतदान होना है, जिसमें कि नॉर्थ महाराष्ट्र है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है और सेंट्रल मराठवाड़ा है, यहाँ पे इस वक्त मतदान चल रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उसमें टर्नआउट जो है वो अच्छा आ सकता है आज, और टर्नआउट को लेकर जो कंसर्न है वो कुछ हद तक जो हो सकता है उसको हैंडल और उसको लेकर एक पॉजिटिव नोट पे आज की वोटिंग जो है वो मुझे लगता है कि खत्म होगी। अपने सहयोगी कपिल और रोहन कवली के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। वहीं केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह लखीसराय मतदान क्षेत्र में मतदान करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें गिरिराज सिंह
जो कि मौजूदा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके सामने सीपीआई के अवधेश कुमार राय के बीच जो मुकाबला है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले के जिलीगोरा में एक मतदान केंद्र पर अपना मत डाला। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में चंपई सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, जो कि मतदान करने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री और सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने कांचीकुला के मतदान केंद्र में अपना मतदान किया। बीजेपी की प्रत्याशी हैं और केंद्रीय मंत्री वो अपना मतदान करने के लिए पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कडपा में पोलिंग बूथ नंबर 138 पर वोट डाला। वहीं टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुंटूर में अपना वोट डाला। आप देख सकते हैं गुंटूर की तस्वीर, जहां चंद्रबाबू नायडू, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो पहुंचे थे अपना वोट डालने के लिए। वहीं करीमनगर से भाजपा के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार बंदी संजय ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद अपने परिवार के साथ नजर आए बंदी संजय। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं साउथ सुपरस्टार और जनसेना पार्टी चीफ पवन कल्याण ने भी मंगलागिरी के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। जनसेना पार्टी के चीफ हैं पवन कल्याण और बीजेपी के साथ गठबंधन भी। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां के मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इंडिया गठबंधन ने यहां सपा की ज्योत्सना कौन को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार अरुण कुमार सागर और बसपा के दोदराम वर्मा से है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो पहुंचे थे मतदान करने के लिए, इसके साथ ही उन्नाव लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां से भाजपा उम्मीदवार साक्षी महाराज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। और आइए आपको सीधे चलते हैं बिहार के हाजीपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। पहला लोकसभा चुनाव है जब हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अनुपस्थिति में लड़ रहे हैं। रामविलास जी सामाजिक न्याय के सच्चे साधक थे और हाजीपुर के प्रति उनका लगाव, हाजीपुर के प्रति उनका समर्पण, ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। हाजीपुर के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। साथियों, 4 जून बहुत दूर नहीं है। 4 जून को सुबह के इस समय सबकी नजर टीवी पर होगी, रेडियो पर होगी, सोशल मीडिया खंगालते होंगे और आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो 4 जून को एक के बाद एक भाजपा एनडीए के विजय की ओर आगे बढ़ता जाएगा। और चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे, चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे,
फिर एक बार एनडीए को दिया आपका वोट, केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा। आरजेडी, कांग्रेस या एनडीए अलायंस को तो अगर किसी ने गलती से भी बटन दबा दिया ना, तो उसका वोट तो बेकार जाना जाना तय है। और बिहार के लोग तो समझदार है, वो बेकार जाने वाली चीज कभी करते ही नहीं है। और इसलिए अपना वोट सरकार बनाने के लिए दीजिए, देश बनाने के लिए दीजिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दीजिए। आपका वोट एनडीए को दीजिए। साथियों, बिहार के लोगों के सामर्थ्य और बिहार के लोगों की समझदारी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये देखकर दुख भी होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है, खुद का जितना लूट सके लूट ले, वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं। उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आप लोग यहां एक कहावत कहते हैं ना, ना निमन गीतिया गाइब ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है। ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना है। भाइयों और बहनों, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर, उसका बहिष्कार करके ये आपको चिढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को
आप माफ करेंगे क्या? ऐसे लोगों को कोई माफ कर सकता है क्या? साथियों, आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं है, बल्कि उनका अपना वोट बैंक ही है। तो बिहार के हाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इस चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें हाजीपुर से जो चिराग पासवान हैं वो चुनावी मैदान में हैं, उनके समर्थन में यहाँ प्रधानमंत्री रैली करने पहुँचे। और साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि इसके साथ साथ एक तरीके से जो पार्टियाँ हैं उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, अपने परिवार का फ़ायदा सोचते हैं, जबकि जनता का फ़ायदा नहीं सोचते। वहीं अगर बात की जाए, देश भर में लगातार जो हीट वेव का कहर है वो भी देखने को मिल रहा है, गर्म हवाएँ चल रही हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें तो भारी गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने ओडिशा के मतदान केंद्रों पर तमाम इंतजाम किए हैं जिससे लोगों को इससे बचाया जा सके। बहरामपुर के मॉडर्न मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। 2024 लोकसभा चुनाव का ये चौथा चरण है। हम इस समय ओडिशा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मपुर एरिया में हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुर एरिया में मॉडर्न बूथ बनाया गया है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो बूथ को दिखाएं, और साथ में ये भी दिखाने का प्रयास करूँगा कि इस बूथ के अंदर लोगों के लिए जो मतदान करने आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। यहाँ पे आप साफ तौर पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एक हीट वेव जोन भी बनाया गया है कि ताकि ये मान लीजिए यहाँ पे किसी को गर्मी लगती है, कोई गर्मी से परेशान होता है, उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा जो हीट वेव जोन है, ताकि क्योंकि उड़ीसा में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे इस समय जो व्यवस्था बनाई गई है हीट वेव जोन के लिए, यहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर के साथ यहाँ पे कुछ दवाइयाँ भी हैं कि ताकि लोग हीट वेव जोन या किसी भी समस्या से रूबरू हों तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। हमारे साथ ये डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। ये आप मुझे बताएं कि ये जो बाहर तो लिखा हीट वेव जोन लिखा हुआ जी, यहाँ पे जो व्यवस्था किया गया है उसके लिए बताएं। जी, यहाँ पर हम लोगों का 2 बेड पड़ा है, फिर एक कूलर लगा है, फिर फैन भी दिए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी दिए हैं, मेडिसिन एमरजेंसी का किट इधर लगा है। अगर हर कोई इधर जो हीट स्ट्रोक है उसमें अगर पेशेंट गिर सकता है तो इधर हम मैनेजमेंट करके उसको भेज देंगे, अगर गुरुतर अवस्था होगा तो हम भेज देंगे मेडिकल को। साफ तौर पे देख सकते हैं कि पानी में ORS भी घोला जा रहा है कि ताकि लोग यहाँ पे आए, और अगर मान लीजिए उनको पानी की कमी होती है, किसी तरह की समस्या होती है, तो उनको ORS का घोल पिलाया जा सकता है। ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ORS पर्याप्त मात्रा में घोला जा रहा है कि जो भी लोग निकलें, क्योंकि बुजुर्ग भी आ रहे हैं, जो वृद्ध लोग हैं वो अपना मत का प्रयोग करने आ रहे हैं, उनका अधिकार है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी भी एज के व्यक्ति को यहाँ पे कोई समस्या होती है, अगर जिस तरह की डिसेंट्री होती है या फिर किसी तरह के पानी की कमी होती है, तो इनको ORS का घोल पिलाया जाएगा। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश त्रिपाठी, DD न्यूज़ उड़ीसा। तो अलग अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने मतदान किया। आपको बता दें उन्होंने कहा कि TMC नेता अभिषेक बनर्जी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास एक राष्ट्रीय पप्पू है, एक क्षेत्रीय पप्पू है। साथ ही उन्होंने कहा कि TMC का भारतीय पार्टी का टैग चुनाव आयोग ने हटा दिया है। वी हैव अ नेशनल पप्पू एंड वी हैव अ लोकल पप्पू। दिस इज अ लोकल पार्टी। TMC दे राइट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बट दे आर नॉट ऑल इंडिया पार्टी। देयर ऑल इंडिया टैग हैज बीन रिमूव्ड बाय इलेक्शन कमीशन बिकॉज दे गॉट अ बिग जीरो इन गोवा, दे गॉट अ बिग जीरो इन त्रिपुरा, एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस विच हैज बिकम अ लोकल तृणमूल कांग्रेस हैज अ लोकल पप्पू, एंड अभिषेक बनर्जी इज अ पप्पू। तो अग्निमित्रा पॉल क्या कह रही थी वो आपने सुना। राइया अब रुक करेंगे जो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजयवाड़ा से, साथ ही रमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीनगर से, इसके अलावा अश्विनी हमारे साथ कन्नौज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। पहले रमा आपके पास मैं आना चाहूँगा। हमने तस्वीरें देखी थी सुबह जो आपने दिखाई थी, किस तरीके से लोगों में उत्साह नज़र आ रहा था वोटिंग को लेकर, महिलाओं की खासतौर से लंबी लाइनें जो हैं वो नज़र आ रही थी, और स्पेशल बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं, क्या स्थिति फिलहाल? The cat sat on the mat.
देखिए लगातार जबरदस्त उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और महिलाओं की आपने बात की है, कुछ महिलाएं मेरे साथ खड़ी भी हैं, महिलाएं सुबह से ही लगातार यहां पर आ रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और बड़ी खुश भी वो नजर आ रही हैं। और देखिए जिस तरह की दोहरी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है, अपने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ मतदान सबसे पहले है, तो सुबह सुबह ठंड के बावजूद वो निकल कर आई है। मैम ये बताइए कि क्यों जरूरी है वोट करना सबसे पहले? जैसे इंसान को जीने के लिए खाने की जरूरत है, वैसे ही परेशानियों को हल करने के लिए नुमाइंदे की जरूरत है। आपको लगता है वोट एक बहुत बड़ी ताकत है? बहुत बड़ी ताकत है। जब वोट नहीं देंगे हमारा कोई नुमाइंदा नहीं होगा सामने, तो अपनी परेशानियां किसको बताएंगे हम? तो आप देख सकते हैं महिलाओं में जो जागरूकता है, आप बताइए आप भी सुबह सुबह यहाँ पर आई हैं, मन में था कि वोट डालूंगी सबसे पहले? सबसे पहले डालूंगी। नाश्ता वगैरह घर में बना के आई थी? नाश्ता बनाकर सबको खिलाकर लेकिन खुद खाकर नहीं आई है, पहले वोट डालेंगे, पहले मतदान और फिर जलपान। आप देख सकते हैं जो महिलाओं में यहाँ पर जागरूकता है, और महिलाओं में ही नहीं यहाँ पर जो युवा है, यहाँ पर हर जो मतदाता है उसके अंदर इस तरह का जोश खरोश नजर आ रहा है। और पहली बार हम कह सकते हैं कि श्रीनगर में इस तरह का जोश नजर आया है। अगर पिछली बार की बात करें तो 13-14% यहां पर वोटिंग होती थी, पुलवामा में 0% वोटिंग थी, और अब जो वहां से दृश्य आ रहे हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें वहां पर लग रही है, यहां पर सुबह से काफी उत्साह नजर आ रहा है, तो एक बहुत ही सुखद खबर लोकतंत्र के लिए कही जा सकती है। लड़ाई जो है यहां पर अगर हम बात करें पुराने समय की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में यहां पर कांटे की टक्कर होती थी, लेकिन इस बार 24 दल यहां पर चुनावी मैदान में है। आप देखिए कि जहां पर पहले जो विभिन्न नेता हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे चुनाव में भाग लेने की या फिर कैंपेन करने की, आज उन्हीं संवेदनशील एरियाज में उनके कैंपेन हुए। 24 के करीब मतदाता जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। इसके अलावा जो नई पार्टीज हैं वो नए चेहरों को मौका दे रही हैं। अपने आप में देखा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस बार ये सीधी लड़ाई ये पीडीपी और एनसी के बीच में है या फिर ये एक मल्टी कॉर्नर फाइट यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अपनी पार्टी ने भी उम्मीदवार यहाँ पर उतारा है। गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है, तो बेहद दिलचस्प ये मुकाबला भी हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो श्रीनगर के मतदाता है, इस सीट के जो मतदाता है उनमें 18 विधानसभाओं में जो जोश नजर आ रहा है वो काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल, वो वाकई काबिले तारीफ, और दूसरों के लिए एक संदेश भी कि क्यों ज़रूरी है मतदान करना, और ऐसी ही तस्वीरों की उम्मीद हम हर जगह से कर रहे हैं। फिलहाल अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, कन्नौज की अगर बात की जाए, हमने देखा किस तरीके से जो ताज़ा वोटिंग प्रतिशत निकल कर आया था, फिलहाल की अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो मतदाता हैं वो पहुँच रहे हैं? निश्चित तौर से मुकुल, अगर देखें तो कन्नौज में भी उत्साहजनक स्थिति है, लोग बढ़ चढ़ कर चुनाव के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। हम ऐसे ही कन्नौज के एक बूथ पर हैं, हम दिखाएंगे किस तरीके की यहाँ पर तैयारियों को मुकम्मल किया गया है। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 9 बजे तक के अभी आधिकारिक आंकड़े आए हुए, 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं, 11 बजे तक के आंकड़े कुछ ही 10 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से आ जाएंगे। 11.67% के आसपास मतदान हुआ था 9 बजे तक। कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज तकरीबन 14% मतदान हुआ था। आप ये मान सकते हैं कि बेहद उत्साहजनक है, अगर शुरुआती 2 घंटों में इतना मतदान यहाँ पर होता है। लोगों के आने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है, बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग यहाँ पर वोट करने के लिए अपना रुख कर रहे हैं। अगर देखें तो केवल शाहजहांपुर ऐसी जगह है जहाँ पर कम मत प्रतिशत शुरुआती घंटों में मिला है। कानपुर में थोड़ा कम है, 7% के आसपास जो है शाहजहांपुर है, 8% के आसपास कानपुर है, और ऐसे ही इटावा की स्थिति है। लेकिन ये मान के चलेंगे कि अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, खैर गर्मी का मौसम है, 12 बजे के आसपास मत प्रतिशत एक बार फिर डिप करता है, उसके बाद 4 बजे के बाद लोग और आसानी से आना शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआती अगर देखें तो कमोबेश हर क्षेत्र में काफ़ी ज़बरदस्त मतदान हुआ है। 11 बजे के आधिकारिक आंकड़े आने पर ये जरूर पता चल सकेगा कि कितना लोगों का उत्साह और बढ़ा है। इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो कन्नौज में तो सीधी लड़ाई भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच है। 13 सीटें जो इस क्षेत्र में चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की है, इन सब पर 13 सीटों पर भाजपा का कब्जा 2019 के चुनाव में था। चुनौती होगी भाजपा को अपनी इन सीटों को बचाए रखने की, और गठबंधन की कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा मत प्रतिशत हासिल करे और ज्यादा से ज्यादा वो सीटें हासिल करे, जिससे वो अपनी इस क्षेत्र में जो कि यादव बहुल एरिया है जो कि अल्पसंख्यक, ये कोशिश होगी और कोशिश ये भी है अश्विनी, उस भरोसे जाति समीकरण के हिसाब से और भाजपा विकास के सहारे। बिल्कुल, कोशिश यही होगी कि कैसे जो हम देख पा रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत है उसमें भी इजाफा हो, जो मतदाता है वो पहुंचे, अपने घरों से निकले और मतदान करें। अब निशांत का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। निशांत, अगर आंध्र प्रदेश की हम बात करें, ना सिर्फ लोकसभा सीट बल्कि इसके साथ साथ विधानसभा सीट पर भी जो चुनाव है वो चल रहा है, क्या स्थिति और किस तरह की तस्वीरें आप वहां देख पा रहे हैं?
देखिए आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 175 विधानसभा सीट और 25 लोकसभा सीट पर यहां पर मुकाबला चल रहा है और वोटर्स जो हैं आंध्र प्रदेश में पिछली बार अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 89% के आसपास यहां पर वोटिंग हुई थी और इस बार भी गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं इस समय विजयवाड़ा में मौजूद हूं लेकिन गर्मी के बावजूद आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग यहां पर अपना मतदान का प्रयोग करने जा रही हैं, व्हील चेयर पर अपने मतदान का प्रयोग करने जा रही हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पोलिंग बूथ पर अभी पूरी तरीके से जो भीड़ है वो मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में इस समय जो वोटर है वो लगातार घरों से निकल रहा है। अगर सुबह 9 बजे की बात की जाए क्योंकि आधिकारिक आंकड़े तभी तक आए हैं तो लगभग 10% के आसपास पूरे आंध्र प्रदेश में वोटिंग हुई। अब राजनीतिक समीकरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश के में पिछली बार YSRCP ने जो 22 सीटें लोकसभा में जीती थी, 151 सीटें विधानसभा में जीती थी और जगनमोहन रेड्डी एक युवा नेता के तौर पर उभरे थे लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी बदली हुई नजर आ रही हैं। TDP कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। TDP और जनसेना और BJP का यहां गठबंधन है। एक तरीके से NDA और YRSCP के बीच जो है एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी आंध्र प्रदेश में अपनी पुरानी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अगर विजयवाड़ा सीट जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर दो भाइयों की लड़ाई है श्रीनिवास नानी और शिवनाथ चन्नी के बीच। शिवनाथ चन्नी जो हैं वो TDP से इस बार उम्मीदवार बनाए गए हैं। श्रीनिवास नानी पहले TDP से ही लगातार 2 बार इस सीट से वो सांसद का चुनाव जीते हैं लेकिन इस बार उन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई को TDP ने मौका दिया यानी NDA गठबंधन के द्वारा मौका दिया गया और लड़ाई बेहद दिलचस्प यहां पर जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा राजमपेट लोकसभा है जो कि बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा है, वहां से आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव में लड़ रहे हैं किरण रेड्डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रचार के लिए भी गए थे और बीजेपी की आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष दी पुंदेश्वरी भी यहां पर जो है अपना चुनाव लड़ रही हैं। तो बिल्कुल हमने देखा किस तरीके से जो चुनाव प्रचार है वो किया गया है निशान और उसका असर भी हम कह सकते हैं नजर आता है। फिलहाल रमा आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आपने हमें बताया कि जो महिलाएं हैं उनमें तो उत्साह है ही लेकिन खासतौर से जब मुद्दों की हम बात करते हैं और अब से पहले शायद कभी इस तरह का उत्साह या इस तरह की तस्वीरें चुनावों के दौरान हमें जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आती थी, ये जो अब बदलाव हम देख रहे हैं इसको कैसे जनता देखती है? देखिए इसी बदलाव की ये एक वजह जो है इतनी लंबी लंबी लाइनें जो है उन क्षेत्रों में नजर आ रही हैं जो पहले आतंकवाद से प्रभावित थे, बेहद संवेदनशील थे। पुलवामा की बात हम करते हैं, शोपियां की हम बात करते हैं, श्रीनगर की हम बात करते हैं, यहां पर लोग आते नहीं थे। लाल चौक की हम बात करते हैं जहां पर लोग निकलने से डरते थे, हर बात में लाल चौक का हवाला दिया जाता था। वहां पर जब रैली निकलती है, कैंपेन निकलते हैं, वहां से मतदाता निकलता है, वहां पर जो अलगाववादी प्रभावित क्षेत्र बहुत बड़ी संख्या में वहां पर माने जाते थे, जब मतदाता वहां से निकलकर कहता है कि हम विकास के लिए मतदान कर रहे हैं, हम जो काम यहां पर नहीं हुए हैं उनके लिए मतदान कर रहे हैं, हम अच्छे स्कूलों के लिए मतदान कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए रोजगार के लिए मतदान कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री यहां पर नहीं आई है हम उनके लिए मतदान कर रहे हैं, कश्मीर जिन अधिकारों से अछूता रहा है हम उनके लिए मतदान कर रहे हैं, हमारा नुमाइंदा यहां से चुन के जाए, हमारी आवाज उठाए और जो हमारी जरूरत है उसको पूरी करे। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर लोगों के मुद्दे कितने मुखर हैं और इन मुद्दों को लेकर जो लोग सामने आ रहे हैं ये अपने आप में अब तक के इतिहास की ऐतिहासिक बात कही जा सकती है क्योंकि मतदाता यहां पर बहुत ही कम संख्या में निकलते थे। पहले अगर आप मतदान का प्रतिशत तो देखें कहीं 0% मतदान होता था, कहीं पर 7% मतदान, कहीं पर 9% मतदान। अगर जम्मू क्षेत्र का मतदान जम्मू कश्मीर में नहीं जोड़ा जाता था तो अगर घाटी के मतदान की बात करते थे तो मतदान प्रतिशत बहुत ही कम रहता था। उसको देखते हुए अब ये जो ये प्रतिशत बढ़ेगा ये यहां के लोगों की मंशा को बताता है, ये बताता है कि लोग चाहते हैं यहां पर विकास, यहां पर मुख्य धारा में शामिल होना, यहां पर जिस अलगाववाद आतंकवाद की मार यहां पर लोग झेल रहे थे, जिस भय के वातावरण में लोग रहते थे उससे जब उन्हें उन्मुक्त आकाश मिला है, एक भय से विहीन वातावरण मिला है तो यहां पर लोग आ रहे हैं और खुश होकर यहां पर सही में उत्सव सा माहौल बन रहा है। हम कहते हैं कि लोकतंत्र एक बड़ा पर्व है लेकिन ये बड़ा पर्व यहां पर साफ तौर पर इस बार नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसे बड़ा बनाने वाले हैं मतदाता जो कि लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और खासतौर से अश्विनी अगर जब हम कन्नौज सीट की बात करें तो
प्रदेश की तमाम जो सीटें हैं, सियासी पारे के साथ साथ हम देख पा रहे थे जो गर्मी है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या उसकी वजह से जो मतदाता हैं उनके उत्साह में कुछ कमी नज़र आ रही है क्या? निशांत, कभी तो नहीं आएगी ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि बहुत ही जागरूक मतदाता हैं और उत्तर प्रदेश सियासी तरीके से राजनीतिक तरीके से बहुत ही जागृत प्रदेश है। थोड़ी सुस्ती लोगों को आ सकती है, एकदम मध्य दोपहर की जब स्थिति होती है तो लोग थोड़ा सा गर्मी के माहौल में आराम तलब मानसिकता के होते हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जैसे जैसे शाम ढलेगी, सुबह का दिन हमने देखा शुरुआती दो घंटों में 10% से ज़्यादा मतदान होना बेहद उत्साहजनक है। तो आप ये मान के चलिए कि जब मतदान समाप्त होगा और अंतिम आंकड़े आएंगे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले चरण के जो भी मतदान तीन चरणों में है उससे ज़्यादा ही चौथे चरण में मतदान होगा। सियासी समीकरण की जो आप बात कर रहे हैं, इन 13 सीटों में जैसा मैं कह रहा था कि भाजपा ने सभी 13 सीटें जीती थी, लेकिन ये 2019 का चुनाव तब था जब सपा और बसपा दोनों का गठबंधन था। बसपा ने इस समय सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और बड़े टेक्टिकल तरीके से प्रत्याशी बसपा ने उतारे हैं। भाजपा को जहां चुनौती है कि अभी सब अपनी सभी सीटों को बरकरार रखता, वहीं कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ साथ इंडिया ब्लॉक की ये कोशिश है कि वो अपने जनाधार को मजबूत करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें वो भी हासिल करे। लेकिन यही स्थितियां परिस्थितियां अगर देखें तो 2019 में तब रही हैं जबकि बसपा का एक बड़ा कोर वोटर जिस तरफ भी जाता है वो अप्रत्याशित रिजल्ट देने में कामयाब होता है। बसपा का जो वोटर है, बसपा के जो कैंडिडेट्स हैं, वो हर क्षेत्र में मुकाबले को त्रिकोणी नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगा कि बसपा का जो कैडर वोट है उसके एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका लाभार्थी का होता है। जैसे महिलाओं का एक अलग वर्ग बन चुका है, कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर पहुंचकर चुनाव को अपने हिसाब से प्रभावित करती है और अप्रत्याशित जो है रिजल्ट देती है। उसी ही तरीके से अगर देखें एक बड़ा वोटर वर्ग लाभार्थियों का है जो कि ओबीसी में है, जो कि एससी में है, जो कि समाज के अलग अलग हिस्सों में है, तो वो भी तय करेगा कि जब विकास के नाम पर बातें की जाती है बिल्कुल उस पर भी काफी दारोमदार जो है वो नजर आएगा क्षेत्रों में। और ये भी देखना होगा कि दल आपस में मिल जाते हैं लेकिन दलों का जो गठबंधन होता है उसमें मतदाताओं के दिल कितने मिल पाते हैं, इसका भी टेस्ट होगा। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात कि कैसे अब जो मतदाता है वो उनको रिझा पाते हैं। और खासतौर से निशांत आपके पास मैं आना चाहूंगा, जो वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें 11 बजे तक की, क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर? देखिए, आंध्र प्रदेश में जो 11 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत है वो 23.10 हो चुका है और तमाम सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 25 के आसपास नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की अगर हम वेबसाइट से देखें तो विजयवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ 21.39 वोटिंग परसेंटेज है। विशाखापट्टनम की 21.34 वोटिंग परसेंटेज है। राजमपेट सीट की हम अभी बात कर रहे थे, वीआईपी सीट है, 22.83% है। राजामुंद्री सीट की बात करें जहां से बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रही है, 21.75 है। और इसके अलावा बात की जाए तो मछलीपट्टनम की, तो वहां सबसे ज्यादा 25.84% है। कड़प्पा सीट की अगर बात की जाए कि कड़प्पा सीट पर वाईएसआरसीपी परिवार चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ से जगनमोहन रेड्डी की छोटी बहन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई अविनाश रेड्डी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज 27.02 नजर आ रहा है। यानी कि आंध्र प्रदेश का जो वोटर है वो बाहर निकल रहा है और बाहर निकल के लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहा है और अपनी चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो उसको चुनने का काम कर रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने भविष्य को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। आंध्र प्रदेश की जनता, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी है, बिल्कुल निशान ये काफी जरूरी के जो मतदाता है वो कितने जागरूक है, लेकिन जैसे आपने यहाँ का प्रतिशत बताया और भी जगहों के जो बड़ी खबरें हैं वो आ रही हैं, वो दर्शकों को बता दें जो बड़ी खबर आ रही है चौथे चरण का जो मतदान है वो जारी है। और वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर 11 बजे तक करीब 23.10% वोटिंग हो चुकी है, जैसा कि हमारे जो सहयोगी थे वो जानकारी दे रहे थे। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 11 बजे तक यहाँ पे 32.78% मतदान जो है वो अभी तक हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कैसे देखिए, जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 घंटे का जो समय है ये उसके आंकड़े हैं, यानी 7 से 11 बजे तक के दौरान जो वोटिंग प्रतिशत अभी तक दर्ज किया गया है वो क्या रहा है, अलग अलग राज्यों में इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए
महाराष्ट्र की हम बात करें, पश्चिम बंगाल की बात की, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 25 सीटों पर 11 बजे तक यहां करीब 23.10% जो वोटिंग है वो हुई है। जबकि पश्चिम बंगाल की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 27.12% मतदान दर्ज किया गया है। और इसके साथ साथ अगर खासतौर से बात की जाए ओडिशा की तो यहाँ 23.28% मतदान दर्ज किया गया है। इसी तरह दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए जहां अभी तक काफ़ी सही जो मतदान है नज़र आ रहा है, करीब 32.38% मतदान नज़र आ रहा है। और खासतौर से अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो यहां भी अब जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इसके खासतौर से अगर बात करें करीब यहाँ 27.12% मतदान जो है 11 बजे तक वो दर्ज किया गया है। अश्विनी, इस बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, करीब करीब अगर देखा जाए 27 से 28% का जो मतदान है वो दर्ज किया गया है 4 घंटे के दौरान 7 से 11 बजे तक, क्या माना जाए, किस तरीके से जो आंकड़े हैं जो बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं कितने प्रतिशत तक पहुँच सकता है आज? आंकड़े बहुत उत्साहजनक है। शुरुआती 4 घंटे में अगर देखें आप, 1/4 मत पड़ जाता है तो ये जबरदस्त उत्साह है लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं का। जैसा कि आपने बताया तकरीबन 27.12% 11 बजे तक के आंकड़े हैं और 25 से 30% के बीच में लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े। इटावा जिसको मैं बता रहा था कि तकरीबन 7% था वो इस समय 24% से ज़्यादा पहुँच चुका है। कानपुर जो कि लगभग 8% था वो लगभग 25-26% के आसपास हो चुका है। कानपुर से सटा हुआ अकबरपुर 25.6%, बहराइच 28.63%, धौरहरा 29.73%, इटावा 24.68%, फरुखाबाद 27.88%, हरदोई 27.12%, कन्नौज जहां पर मैं खड़ा हूं 29.90%, जी कानपुर 21.36%, खीरी 29.28% और मिश्रिक, और ये से इस तरीके से देखो तकरीबन सब जगह पर 27-28% मतदान हुए हैं। 27-28% मतदान होना शुरुआती 4 घंटों में बेहद उत्साहजनक है। ये मान के चले कि इससे पहले 2019 में इसी चरण में इन्हीं क्षेत्रों पर मतदान था, उसको आंकड़े को तो हम पार करेंगे ही, साथ ही जो 3 चरणों में हल्की सुस्ती दिखी थी वो भी कहीं ना कहीं तेजी में परिवर्तित होगी। जी बिल्कुल अश्विनी, और कहीं ना कहीं एक संकेत जो मतदाता हैं, जैसा कि लगातार हम अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, तो उनके लिए भी एक संदेश हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मतदान प्रतिशत में इजाफा होता नज़र आ रहा है और खासतौर से जो दतौल जहाँ पे उपचुनाव चल रहा है वहाँ भी करीब 25% से ज़्यादा जो मतदान है अभी तक दर्ज किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो जागरूक नज़र आ रहे हैं। निश्चित तौर से, और यही वो एक अधिकार है। देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर एक व्यक्ति का मत बराबर है और हर एक व्यक्ति का एक मत है, यानी कि कोई ऊंच नीच, महिला पुरुष या फिर किसी तरीके का विभेद नहीं है और सबको अपने स्वेच्छा के अधिकार से सबके मत का बराबर वक़्त जिसको कहते हैं उस हिसाब से है, और यही वो संवैधानिक अधिकार है जो आपके संवैधानिक अधिकार के साथ साथ आपके संवैधानिक दायित्वों को भी निर्भर करता है। हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने पसंद की सरकार को चुने, अपने पसंद के प्रत्याशी को चुने, और इस संवैधानिक अधिकार को उपयोग करते हुए हमने जो 75 साल में अगर देखें लोकतंत्र के जो एक मजबूत स्तंभ को खड़ा किया है वो पूरी दुनिया कहीं ना देखती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश चाहे आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप के बहुत सारे देशों से बड़ा है। इतना बड़ा मतदान का पूरा प्रयोग किया जाना पूरी दुनिया को चकित कर देता है कि किस तरीके से एक शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग चुनाव कराता है और हर एक व्यक्ति उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता बिल्कुल है। और इसके साथ साथ बेहतरीन निशांत के रुक करना चाहूंगा, अश्विनी आपको रोकना चाहूंगा, निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बता रहे हैं किस तरीके से आंध्र प्रदेश में भी जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। निशांत अगर देखा जाए तो करीब 24% का आंकड़ा हम देख सकते हैं और ये भी अपने आप में काफी, जैसा कि अश्विनी हमें बता रहे थे उत्तर प्रदेश की हमने बात की तो ये भी काफी उत्साहजनक। देखिए बिल्कुल उत्साहजनक है, आंध्र प्रदेश में जैसी गर्मी पड़ रही है, जैसी यहाँ ह्यूमिडिटी है, उसमें अगर वोटर दोपहर में इस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है तो उत्साहजनक है। लेकिन आंध्र प्रदेश का 2019 का जो रिकॉर्ड है वो काफी बड़ा है। सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश क्या अपना 2019 का रिकॉर्ड तोड़ेगा? 79% से ज्यादा यहाँ पर लोकसभा चुनाव में 2019 में वोटिंग हुई थी, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आंध्र प्रदेश हो सकता है कि इस बार भी इसी तरीके से वोट करे। और अभी मैं
आप कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि एक बार पोलिंग बूथ को यहां से दिखाएं। आप देख सकते हैं दोपहर का समय है लेकिन बुजुर्ग आपको नजर आ रहे होंगे अभी जो पोलिंग बूथ है लोग वोट करने जा रहे हैं और लाइन आपको नजर आ रही होगी। एक पोलिंग बूथ और मैं दिखाना चाहूंगा कि कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरीके से लंबी लाइन जो है वो नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर। तो आप समझ सकते हैं कि जो वोटर्स हैं उनका उत्साह आपको नजर आ रहा है। दोपहर का समय है, काफी तेज यहां पर गर्मी है और गर्मी होने के बावजूद पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो यहाँ तापमान 45 प्लस गया था, इस सप्ताह बात करें तो तापमान 40 के आसपास है। और चूंकि दक्षिण भारतीय जगह दक्षिण भारत है, यहाँ पर समुद्र पास में है विजयवाड़ा के, उसके चलते ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उस गर्मी के बावजूद आप देखेंगे कि वोटर्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं, अपना वोट कर रहे हैं, अपनी राज्य सरकार अपनी केंद्र सरकार चुन रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दे रहे हैं, या कह लीजिए इसको कि भारत निर्माण में वो अपनी आहुति दे रहे हैं। और कहा जा सकता है कि वोटर जितना जागरूक होगा भारत को उतनी मजबूत सरकार मिलेगी और जो हमारा भविष्य है उसका निर्णय फिलहाल वोटर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस लोकतंत्र के पर्व की जब हम बात करते हैं उत्सव में देखिए कितना बढ़ चढ़ कर भागीदारी जो है वो मतदाताओं की नजर आ रही है। मौसम में जो विपरीत परिस्थितियां हैं लेकिन उसके बावजूद जो वोट डालने के लिए जो मतदाता हैं वो अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, निशांत, अश्विनी और अमा, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। दोबारा आपसे अपडेट हम लेंगे। और अब क्योंकि जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, खासतौर से पेशे से पायलट और बिहार में सारण सीट से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी एक बार फिर से जीत की उड़ान भरने की तैयारी में हैं। रूड़ी के अरमानों को सारण में होने वाली पीएम मोदी की जनसभा में मानो पंख लग गए हैं। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने राजीव प्रताप रूड़ी से छपरा में खास बातचीत की। मैं इस वक्त छपरा में हूँ और मेरे साथ है बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। रूड़ी साहब, छपरा और आपका नाम सिनोनिमस है, प्रधानमंत्री आपके लिए यहाँ रैली भी कर रहे हैं, किस तरह से देखते चीजों को? देखिए, कल जो रैली छपरा में प्रस्तावित है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सुबह 10 बजे छपरा हवाई अड्डे पर, अपने आप में अप्रत्याशित होगा। और वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जयप्रकाश जी की धरती सीता दियारा जो छपरा का अंग है उसे विशेष लगाव है, तो बड़ी स्वागत की तैयारी है और बड़ी जीत की भी साथ साथ तैयारी है। इस बार क्या नया प्रॉमिस करने जा रहे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, वो प्रॉमिस तो वो करता है जो पहली बार आया है। यहाँ तो लगातार काम करते जा रहे हैं, कामों की सूची बनी हुई है। आज 33,000 करोड़ रुपए का काम छपरा में चल रहा है, वो काम चल रहे हैं, कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम होने हैं और कुछ काम आगे प्रस्तावित है। मैं समझता हूँ कि भारत में अगर किसी जिला में सबसे ज़्यादा निवेश आया है पिछले 5 साल में तो उस जिला का नाम है छपरा, और स्वाभाविक तौर से देश के प्रधानमंत्री जी का देन है कि छपरा में इतने विकास के काम हो रहे हैं। आपका USP क्या रहेगा इस चुनाव में? मेरा कोई USP नहीं है, जो मैं सेवा करता हूँ लोगों का वो तो चलता रहेगा। USP सिर्फ एक व्यक्ति का है, नरेंद्र मोदी का है, और मैं उनका एक सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। एक आखिरी सवाल, इस बार क्या चाहेंगे आप छपरा के लिए जब आप यहाँ से चुन के जाएंगे तो? मेरी कल्पनाएं बहुत है, असीमित है। आज गांव-गांव तक गैस पाइपलाइन दौड़ गया है, हर घर में बिजली 24 घंटा है, ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ी हुई है, गंगा नदी पर सबसे ज़्यादा अगर पूरे भारतवर्ष में किसी जिला को जोड़ने वाली पुलों की संख्या है तो छपरा में है। छपरा असीमित रूप से विकास कर रहा है। तो ये थे राजीव प्रताप रूड़ी, जिनका ये कहना है कि असीमित संभावनाएं हैं और उनकी USP है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज, सारण, छपरा। और जिस USP का जिक्र हो रहा था उनकी भी बात, जी हां, बिहार में चुनाव प्रचार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। वाराणसी से मौजूदा सांसद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार काशी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहां नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले PM आज काशी में लोगों से मुलाकात करने के लिए रोड शो पर निकलेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने के बाद ये रोड शो शुरू होगा। इसके लिए बीजेपी की ओर से भव्य तैयारियां की गई हैं। शहर में PM मोदी के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। रोड शो जिन इलाकों से गुजरेगा उन रास्तों को बेहद ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। इसमें BHU गेट स्थित मालवीय प्रतिमा और गोदोलिया चौराहा प्रमुख है। PM के रोड शो में बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद होंगे। चुनाव आयोग को मतदान की पूर्ण संख्या तुरंत प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने याचिका को आज कोर्ट के
ने मेंशन किया, जिस पर कोर्ट ने 17 मई को सुनवाई की बात कही है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलेगी या नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि आज उनकी जमानत अर्जी पर अहम सुनवाई होनी है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इसी महीने की 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की भी मांग की थी। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी, देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति कला योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात करें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने मौजूदा रक्षा मंत्री को पद से हटा दिया है। पुतिन ने मौजूदा रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की जगह एंड्री मिलोसोव को रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। सर्गेई शोइगु को रूसी संघ की सुरक्षा परिषद का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही वह रूसी संघ के सैन्य औद्योगिक आयोग में पुतिन के डिप्टी भी होंगे। और खबरें खेल जगत से, आईपीएल में आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होंगी। गुजरात टाइटंस को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद को जिंदा रखना है तो टीम को आज हर हाल में केकेआर के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल फॉर्म में वापस लौटे हैं, जो इस टीम के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। वहीं टाइटंस के गेंदबाज इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वहीं आईपीएल में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल 2024 में ये लगातार 5वीं जीत रही। मैच में दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी ने रजत पाटीदार के 52 और विलजेक्स के 41 रन के बल पर 9 विकेट पर 187 रन का स्कोर खड़ा किया और 188 रन के स्कोर का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम 19.1 ओवर में 140 रन पर ही ढेर हो गई। आरसीबी की ओर से यश दयाल ने 3 विकेट चटकाए। इस जीत के बाद आरसीबी ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। जबकि आईपीएल में ही कल खेले गए दूसरे मैच की अगर हम बात करें, जो कि पहले खेला गया था, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 141 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 18.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद मजबूत हुई है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।